नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में सरकार देने जा रही है 3 लाख, पारा शिक्षकों ने मांगे हैं 5 लाख। पारा शिक्षकों ने अपनी सेवानिवृत्ति पर 5 लाख रुपए एकमुश्त राशि कल्याण कोष से देने की मांग राज्य सरकार से की है। साथ ही सेवा के दौरान आकस्मिक निधन पर आश्रितों को मिलने वाली 5 लाख रुपए में प्रतिवर्ष 10% की बढ़ोतरी की भी मांग की है। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने 22 फरवरी को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक को देखते हुए अपनी इन मांगों को लेकर शिक्षा सचिव राहुल शर्मा तथा राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया के नाम ज्ञापन सौंपा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने कल्याण कोष से पारा शिक्षकों को सेवा अवधि के आधार पर 5 साल की सेवा पर 75,000, 10 साल की सेवा पर 1.5 लाख तथा 10 वर्ष से अधिक की सेवा पर 3 लाख रुपए सेवानिवृत्ति लाभ देने का प्रस्ताव तैयार किया है। पारा शिक्षक इसे 5 लाख रुपए करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही इसमें प्रतिवर्ष 10% वृद्धि करने की भी मांग कर रहे हैं। सरयू राय बोले, पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमत बर्दाश्त से बाहर है। पीएम मोदी को लिखा एक पत्र। सरयू राय ने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को बर्दाश्त के बाहर बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संदर्भ में पत्र लिखकर कहा कि समाज के हर तबका पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यह सामान्य जन के बीच भारी आक्रोश का कारण बन रहा है और कभी भी विस्फोट रूप धारण कर सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच यह धारणा बन गई है और इसमें सच्चाई भी है कि आयातित पेट्रोलियम क्रूड सस्ती दर में आता है, परंतु केंद्र सरकार इस पर भारी उत्पाद कर और राज्य सरकार इस पर वेट लगा दे रही है। इस कारण देश के अलग अलग इलाकों में पेट्रोल डीजल की कीमत प्रति लीटर 90 से 100 रुपये पार कर गई। राय ने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि उनकी एक अधिकतम दर तय कर दें और लोगों को आश्वस्त कर दें कि पेट्रोल डीजल व रसोई गैस की कीमत इस अधिकतम दर से ऊपर नहीं जाएगी। राय ने यह भी कहा कि समय की मांग है, केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थों पर से उत्पाद कर हटाए ताकि राज्य भी इस पर से वेट घटाने के लिए प्रेरित हो। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने आदिवासियों के लिए सहानुभूति प्रकट किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग कॉलम की मांग एक बार फिर केंद्र सरकार के समक्ष उठाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुए नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक में मुख्यमंत्री ने इस बात को रखा। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा से पारित कर हमने सरना आदिवासी धर्म कोड की मांग से संबंधित प्रस्ताव भेजा है। उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुए इस वर्चुअल बैठक में केंद्रीय मंत्री व विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तार्किक तरीके से अपनी बात रखते हुए कहा कि आदिवासी हितों की सुरक्षा के लिए आदिवासी मंत्रालय का निर्माण हुआ। संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची भी आदिवासी हित के लिए बनाई गई है। आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है जिसकी सभ्यता, संस्कृति, व्यवस्था बिल्कुल अलग है। आदिवासियों को लेकर जनगणना में अपनी जगह स्थापित करने की मांग वर्षों से रखी जा रही है। इस संबंध में भेजे गए प्रस्ताव पर भारत सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करे। खबर है झारखंड के बोकारो से। पेट्रोल की कीमत को कम करने के लिए मुख्यमंत्री ने कही बड़ी बात, केंद्र अगर टैक्स घटाए तो झारखंड भी तैयार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को एक दिवस दौरे पर बोकारो पहुंचे थे। उनसे जब मीडिया ने पेट्रोल और डीजल के मूल्य बढ़ोतरी पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यह तो केंद्र सरकार से सवाल पूछना चाहिए। यदि केंद्र मूल्य को कम करने के लिए अपना टैक्स कम करे तो राज्य सरकार भी विचार करेगी। सीएम ने कहा कि पेट्रोल का मूल्य वृद्धि अकेले राज्य का मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार उन सभी मुद्दों का समाधान करेगी जो कि झारखंड व झारखंडी जनता के लिए जरूरी है। खबर है झारखंड के चतरा से। चतरा में 3 किलो अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार, 32,000 नगद और बाइक जब्त। चतरा पुलिस अधीक्षक ऋषभ कुमार झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना पुलिस ने एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर बिरू साव सदर थाना क्षेत्र के नवाडी बैरनी गांव निवासी स्वर्गीय धनपत साव का पुत्र है। पुलिस ने उसके पास से करीब 3.25 किलो अफीम, 32,000 रुपये नगद, मोटरसाइकिल एवं एक मोबाइल बरामद किया है। रविवार को इसकी जानकारी सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार ने पत्रकारों को दी। खबर है झारखंड के रांची से। रांची में दीवारों पर विज्ञापन लगाने वालों की अब खैर नहीं, भरना होगा जुर्माना। राजधानी स्थित किसी भी निजी और सार्वजनिक दीवारों पर विज्ञापन लगाने वालों की अब खैर नहीं होगी। दरअसल रांची नगर निगम ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगा। नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने एक संदेश जारी कर कहा कि किसी भी दीवार, चाहे वह सार्वजनिक हो या प्राइवेट के ऊपर, किसी तरह का रंगारोहण विज्ञापन के लिए रांची नगर निगम की अनुमति आवश्यक है। झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत यह जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे दीवारों पर विज्ञापन तभी लगा सकता है जब उनसे निगम के सक्षम प्राधिकारी से इस काम की अनुमति ले ली हो। खबर है झारखंड के लोहरदगा से।
चमोली हादसे में लापता लोहरदगा के 3 मजदूरों की मिली लाश, 6 अब भी लापता है। उत्तराखंड के चमोली में प्राकृतिक आपदा में लापता लोहरदगा के 3रे मजदूर का भी शव रविवार को बरामद हो गया। शव की पहचान सुनील बखरा के रूप में हुई है। इसके साथ ही लोहरदगा के 3 मजदूरों का शव अब तक बरामद हो चुका है, जबकि 6 मजदूर अब भी लापता हैं। शनिवार को ज्योतिष बखला का शव टनल से बरामद हुआ था, जबकि रविवार को सुनील बखला का शव ब्राज से बरामद किया गया है। फिलहाल सुनील बखला का शव को पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, आधिकारिक रूप से सुनील बखला के शव की पुष्टि हो चुकी है। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में रांची समेत झारखंड के कई जिलों में खिली धूप, न्यूनतम तापमान गिरने के आसार हैं। राजधानी समेत राज्य के कुछ हिस्सों में कुछ दिनों से छाए बादल रविवार को छट गए। सुबह से खिली धूप ने लोगों को काफी राहत महसूस करवाई। अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट होने के आसार भी बन गए हैं। इसके बाद फिर से न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी। पिछले 24 घंटे में राज्य के मध्य हिस्सों में 1-2 स्थानों पर बहुत हल्की बारिश हुई। सबसे अधिक तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस पाकुड़ में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस बोकारो में दर्ज किया गया। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, निजी क्षेत्र में 75% सीट रिजर्व करने के लिए जल्द बनेगा कानून। झारखंड की जनता की भावना और डिमांड को ध्यान में रखकर झारखंड सरकार काम कर रही है। सरकार जनता की उपेक्षाओं पर खरी उतरेगी। उक्त बातें सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो एयरपोर्ट में पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75% सीट राज्य की जनता के लिए रिजर्व होगा, इसके लिए कानून बनाया जा रहा है। जल्द ही यह व्यवस्था राज्य में दिखने भी लगेगी। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि झारखंड के इतिहास में पहली बार आम जनता की भूमि वापसी हुई है। ऐसे कई ऐतिहासिक काम आगे भी किए जाएंगे, जिसकी प्लानिंग चल रही है। सीएम ने पश्चिम बंगाल चुनाव की तैयारी के संबंध में भी कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेगी। इसके लिए पार्टी के विधायक और संगठन के पदाधिकारी पश्चिम बंगाल के चुनाव पर विश्लेषण कर रहे हैं। उन सभी की रिपोर्ट आने के बाद सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। खबर है झारखंड के रांची से। अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ा तो खैर नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है कैंसिल। राजधानी में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर वाहन चलाने वालों को अब जांच के बाद तत्काल लाइसेंस जब्त कर दिया जाएगा। वाहन चालकों को लाइसेंस जब्ती से संबंधित रसीद भी दी जाएगी। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस मोटर वाहन अधिनियम की धारा के तहत लाइसेंस को अस्थायी रूप से रद्द करने या निलंबित करने की अनुशंसा करेगी। इसकी तैयारी ट्रैफिक SP अजित पीटर डुंगडुंग ने शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के लिए ट्रैफिक पुलिस को FTVR यानी कि फील्ड ट्रैफिक वायलेशन रिपोर्ट मशीन उपलब्ध कराई गई है। इसका ट्रायल शुरू किया गया है। अभी सिर्फ इससे चालान काटा जा रहा है, जल्द ही इसके जरिए लाइसेंस जब्त करने की कार्रवाई घटनास्थल पर ही की जाएगी। झारखंड सरकार राज्य में युवाओं को नौकरी देने के लिए स्पेशल प्लान बना रही है। राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा देते हुए करीब 230 टूरिस्ट स्थानों पर युवाओं की भर्ती की जाएगी। इसके लिए टूरिस्ट सिक्योरिटी फोर्स में बम्पर वैकेंसी आने वाली है। इसके तहत टूरिज्म और माइनिंग प्रोजेक्ट में नौकरी के अवसर भी बढ़ेंगे। झारखंड सरकार अब रांची में सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को दुरुस्त करने जा रही है। इसके लिए निगम और सूडा मिलकर रणनीति बना रहे हैं। केंद्र सरकार की मदद से रांची नगर निगम को 500 सिटी बसें दी गई है। अभी यह साफ नहीं हुआ है कि किस तरह की बसें दी जाएगी। रांची से दूसरे शहरों में जाने वाले लोगों को अब 5 मिनट से ज्यादा बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए झारखंड के 4 जिलों में 22 फरवरी से चलेगा अभियान, स्वास्थ्य कर्मचारी बांटेंगे मुफ्त दवा। रविवार को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने साहिबगंज, बोकारो, धनबाद और रामगढ़ में मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री श्री गुप्ता ने लोगों से फाइलेरिया रोधी दवाएं प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों के सामने ही सेवन करने की अपील की। मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम का आयोजन इन 4 जिलों में 22 फरवरी से 27 फरवरी 2021 तक आयोजित होंगे। इस दौरान 71,04,911 लोगों को दवाई खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। झारखंड के 62,00,000 बच्चे नहीं माने जाएंगे ड्रॉप्ड आउट, सरकार ने लिया है यह बड़ा फैसला। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तथा ऑनलाइन शिक्षा से वंचित लगभग 62,00,000 बच्चों को राज्य सरकार ड्रॉप्ड आउट या आउट ऑफ स्कूल नहीं मान रही है। इन बच्चों की छुट्टी हुई पढ़ाई की भरपाई के लिए सेतु गाइड विशेष शिक्षण अभियान चलेगा। सेतु गाइड के रूप में चयनित युवा उन्हें पढ़ाएंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने शनिवार को इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिया। इस अभियान का क्रियान्वयन 1 मार्च से शुरू हो जाएगा। जारी दिशा निर्देश के अनुसार इस बाबत किसी गांव में सेतु गाइड केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इन केंद्रों में बच्चों को संबंधित विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा चयनित 2 सेतु गाइड, जो मुख्यतः रिसोर्स शिक्षक होंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे।
खबर है झारखंड के गोड्डा से। जिले के प्रत्येक पंचायत में लगेगा 5-5 चापानल। गर्मी में पेयजल की संभावित समस्या को लेकर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी। इसे लेकर योजना बनाई भी जा रही है ताकि समय से पूर्व खराब पड़े चापानल की समय पर मरम्मत हो जाए, नया चापाकल लगाने का काम भी पूरा हो जाए। जिला प्रशासन पेयजल समस्या को गंभीरता से लिया है ताकि गर्मी के मौसम में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की जनता को पेयजल की किल्लत ना हो। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। 5 दिन बाद गंगा में उफलता मिला ट्रक चालक का शव। समदा घाट से 16 फरवरी की रात से LCT पर हाईवा लेकर बिहार के मनिहारी जा रहे ट्रक चालक का शव रविवार सुबह गंगा नदी में कटिहार के अहमदाबाद के गोलाघाट पर मिला। 5वें दिन शव गंगा में उफलता हुआ देखा गया। इसकी जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस ने गंगा घाट पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर सदर अस्पताल लाकर पोस्टमार्टम कराया। डॉक्टर की टीम ने शव का पोस्टमार्टम कराया। बताया जा रहा है कि मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।